हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय क्वेश्चन। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड स्टे सेफ एट होम्स। सो आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो एंड दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय ऑल वीडियो। लाइक आई हैव अपलोडेड लाइक कुकिंग वीडियोज, माय डेली ब्लॉग्स एंड सम शॉपिंग ब्लॉग्स लाइक दिस। सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट ब्लॉग। एंड सो नाउ फ्यू डेज बैक आई लर्न सम मेकअप फ्रॉम रिजल्ट। एंड आई थिंक यू ऑल नो वेरी वेल दैट आई हैव अपलोडेड सो मेनी वीडियोज ऑन रिजल्ट। सो आई टुक मेकअप क्लास एंड इट वॉज एन रियली अमेजिंग सेशन ऑफ मेकअप। एंड सारा मैम टॉट मी हाउ टू डू सिंपल मेकअप, हाउ टू डू स्मोकी आईज विद यूजिंग मिनिमम प्रोडक्ट। सो या आई हैव लर्न दोज थिंग्स एंड नाउ आई विल शेयर विद यू दैट वॉट आई हैव लर्न ऑन माई क्लास। एंड आई रियली लव दैट क्लास बिकॉज यू नो फर्स्टली बिकॉज द क्लास वॉज ऑन वुमेंस डे एंड ऑल्सो सारा मैम टॉट अस इन इज वेरी वेल। सो आई हैव लर्न एवरी सिंगल टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मेकअप। सो नाउ आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग दीज थिंग्स विद यू एंड आई थिंक यू ऑल्सो and I feel that you also know these type of things and these things I think will help you in future and as well when you make videos. So I will definitely use these tricks, tips and tricks in my videos and you guys will see. Yeah, so without wasting any time, let's start with today's video. So first I am wearing my headband to so that my all hairs be back. So guys, now my I have washed my face properly. So firstly I am using this Pond Super Light Gel and this is non-sticky glowing skin hyaluronic acid plus vitamin D it has. And now I am using this gel and this is a oil-free moisturizer and very good for oily skin and highly recommended for oily skin because this is non-sticky and super light gel. So now I am moisturizing my face properly. आई थिंक यू विल लाइक दीज टिप्स एंड ट्रिक्स। सो गाइज वॉट आई हैव लर्न, तो मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने सीखी है बिकॉज मैं भी इतनी प्रो मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ। बट या जो भी मैं सीखती हूँ उसको ट्राई ज़रूर करती हूँ एंड आई थिंक यू गाइज विल ऑल्सो लव दिस थिंग। And also it dries very quickly, so I have to be very knees out to massage very quickly so that it dries only on my skin, not my hands. So yes, I prep my skin. So guys, इसकी जगह वैसे मैंने moisturizer use किया, अगर आप aloe vera gel use करना चाहते हैं so it's your choice. So this is my makeup जो मैं करती हूँ makeup, so वही चीज़ मैं आपके साथ share कर रही हूँ because maybe आपकी help हो जाए. So next thing is, so first हमने लाइक हमने मॉइस्चराइज कर लिया, मीन्स अपनी स्किन को प्रेप कर लिया एंड नाउ आई एम यूजिंग काजल, कैमियो काजल, वट एवर यू काजल हैव, आई हैव लैक्मी ऑल्सो बट यू नो मैंने अभी से ओपन नहीं किया था सो डैट्स वाई। सो अभी क्या करना है, लाइक जैसे आप आई लाइनर अप्लाई करते हैं वैसे आपको ये काजल अप्लाई करना है। लुक, सो गाइस इसको आप थोड़ा सा डार्क रखिएगा बिकॉज आपको स्मोकी आईज क्रिएट करनी है। लुक, तो मैंने ऐसे ये डार्क करके लगाया है एंड नाउ व्हाट यू गोना डू इज आपको ऐसे फिंगर से अच्छे से इसको रब करना है, इसको स्मोकी इफेक्ट देना है। बिकॉज जो हमारी आईज है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस लगनी चाहिए। सी, तो गाइज एक और बार मैं करूँगी बिकॉज अभी इतना डार्क नहीं हुआ है, थोड़ा सा और करने के लिए एक लाइन मैं और करूँगी ताकि जो हमारी आईज है वो इंटेंस लगे। सो नाउ गाइज अब जो कॉटन पैड या कॉटन आपको लेनी है उससे जो एक्स्ट्रा जो निकल गया है उसको आप रब कर देंगे, लाइक जो एक्स्ट्रा आपको यहाँ लग दिया है। और विद द सेम आईज हम यहाँ पे भी कर लेंगे। सो नाउ यू कैन सी कि मैंने दोनों आईज पे कर लिया है। सो नाउ आई एम गोना अप्लाई स्केच आई लाइनर एंड दिस इज ब्लू हेवन स्केच आई लाइनर, वट एवर यू हैव जेल आई लाइनर और लिक्विड आई लाइनर सो यू कैन यूज़। सो अब मैं यहाँ पे अच्छे से अप्लाई करूँगी आई लाइनर। सो जैसे आप नॉर्मल आई लाइनर लगाते हैं वैसे ही लगाइएगा।
सो गाइज मेरा जो आईलाइनर है वो भी डन हो गया। और अब क्या करना है, सो अब मैं जो अपनी जो अंडर आई है उसमें काजल अप्लाई कर लूँगी। सो हमें जो ये अंदर जो कॉर्नर्स हैं वहाँ थोड़ा लाइट रखना है। सो इस साइड जो हमारी मिडल ऑफ द आई है वहाँ से हमें डार्क करना है। एक मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी पहले लाइक दिस, एंड अब यहाँ पे मैं मिडल ऑफ द फिंगर से यहाँ तक मैं डार्क करूँगी। सो यू कैन सी इस वाली आइज पे मैं सेम कर लूँगी। पहले मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर लूँगी एंड नाउ मिडल ऑफ द आई से यहाँ तक मैं इसको डार्क कर लूँगी। सो यू कैन सी ये कितना इंटेंस लग रहा है एंड एक वेव सी शेप आ रही है। सी जस्ट हमने छोटी सी एक ट्रिक यूज़ की है मिडिल ऑफ द आई से बस ऐसे डार्क किया है और इसी कैसे ऐसे शेप आ रही है। सो दिस इज़ अ ट्रिक। और अब थोड़ा सा हम जैसे हमने ऊपर स्मच किया था अपनी आईज़ के ऊपर स्मोकी आईज़ का इफेक्ट देने के लिए हम नीचे भी थोड़ा सा स्मच करेंगे विद द यूज़ ऑफ फिंगर ओनली। सो गाइज इसको भी हमें बस मिडल फिंगर मिडल आई से यहीं तक स्मच करना है, ज़्यादा नहीं करना। सी सो अब जो भी एक्स्ट्रा होगा बस उसको हम अच्छे से वाइप कर देंगे जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा। सो गाइज ये देखिए ये इतना ही मतलब लाइक हमने ऐसे किया है तो सच में कितना अच्छा लग रहा है। यू कैन सी कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। नाउ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मैट पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन फिट मी फाउंडेशन एंड दिस इज मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। यहाँ मैं यूज़ करूँगी वट एवर फाउंडेशन यू हैव यू कैन यूज़ दिस। एंड सो गाइज सबका अलग अलग लाइक वे होता है यूज़ करने का। सो मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ बिकॉज सबका आई नो अलग अलग तरीके होते हैं हमारे फाउंडेशन यूज़ करने के। सो उसके बाद बस हम फाउंडेशन अपनी अप्लाई कर लेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसे वो करूँगी अच्छे से ब्लेंड। सो हमें जब भी हमें ब्लेंड करना चाहिए हमेशा ऑलवेज इसको डैब डैब करके करना चाहिए बिकॉज जब भी हम मेकअप यूज़ करते हैं सो मेकअप ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं हमने ऊपर ऊपर मेकअप किया है, ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारी स्किन ही है। सो उसको डैब डैब करके हम अच्छे से कर लेंगे। और ये मैंने अपना न्यू ब्यूटी ब्लेंडर लिया था बिकॉज मुझे जो ब्यूटी ब्लेंडर थे वो सारे अपने वॉश करने थे। इसके ऊपर भी गाइस मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगी कि जो मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं मैं कैसे अच्छे से उसे लाइक क्लीन करती हूँ, हाउ टू क्लीन हाउ आई क्लीन माई ब्यूटी ब्लेंडर्स। तो मुझे हैंड से इतने अच्छे से नहीं ब्लेंड होता जितना अच्छे से ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड हो जाता है। इट टेक्स टाइम बट इट्स ओके। यू नो आपने मेकअप आर्टिस्ट को भी देखा होगा वो ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करते हैं बिकॉज जब ब्लेंडिंग अच्छे से करो तो एवरीथिंग विल बी फाइन, सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। देखिए कितना अच्छी ब्लेंड। सो गाइज मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया एंड यू कैन सी कि जो मेरी आईज़ हैं वो कितनी इंटेंस लग रही हैं। सो कितना सिंपल है विद द यूजिंग ऑफ ओनली काजल एंड आईलाइनर। बस मैंने अभी यही किया है और ज़्यादा देखिए कुछ नहीं किया। सो मैं इसके बाद क्या करूँगी, मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। सो कॉन्टोरिंग के लिए मेरे पास ये है यहाँ से मैजिक ब्यूटी रॉड्स। सो मेरे पास ये कॉन्टोरिंग स्टिक है। मैं अपना कॉन्टोर कर लूँगी अच्छे से ताकि जो मेरी लाइन्स हैं फाइन लाइन्स वो अच्छे से दिख जाएँ। और बहुत जल्दी से मेकअप होने वाला है। सिर्फ अभी तक हमने क्या यूज़ किया है, काजल यूज़ किया है एंड फाउंडेशन यूज़ किया है, मॉइस्चराइजर यूज़ किया हुआ है और आईलाइनर। और आईलाइनर भी अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप काजल अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज बहुत लोग काजल यूज़ करते हैं। सो अब लाइक अप आउट हम बनाएंगे। और ये जो बोन हमारी है फेस को अपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और हमें टिल्ट ऐसे मार्क करना है ऐसे टिल्ट में। सेम हम फेस बिल्कुल नहीं रोटेट करेंगे, सेम हम बोन देखेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट रखें हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। सो मार्क हमारा हो चुका है, अब बस इसको हम ब्लेंड करेंगे। सो हम कभी भी ऐसे नहीं लेके जाएंगे ऐसे ऊपर नीचे, ऑलवेज लाइक दिस जैसे ये शेप है इसकी।
सो गाइज यू नो मेकअप लग जाता है, कॉन्टोरिंग नहीं पता लग रही, आई थिंक मुझे पर और अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे मैं कभी कॉन्टोरिंग करती हूँ, नहीं करती इतना कॉन्टोर, बट फिर भी सो मैं थोड़ा सा नोज पे भी करूँगी अपना। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो आई थिंक मे बी आप कॉन्टोरिंग दिख रही हो, आई डोंट नो, बट मैंने बहुत ज़्यादा लाइट कॉन्टोरिंग की है, आई डोंट लाइक बहुत ज़्यादा मच कॉन्टोरिंग या, बट ठीक है। सो नाउ गाइज वॉट आई एम गोइंग टू डू, सो हमें कोई भी लिपस्टिक लेनी है, अगर आपके पास रेड या पिंक हो। सो मेरे पास यहाँ पे दोनों लैक्मी एब्सोल्यूट मैट मेल्ट लिपस्टिक हैं एंड सो एक का जो शेड है वो है 03 विंटेज पिंक और सेकेंड का शेड है 20 रिदमिक रेड। सो यहाँ पे मैं जो यूज़ करने वाली वो मैं पहले पिंक लिपस्टिक लूँगी। सो आपको जो पिंक लिपस्टिक है लिक्विड वाली, कॉन्टोर अगर आपकी स्टिक नहीं है सो यू कैन ऑल्सो यूज़ ब्राउन आई शेडो, उससे भी अच्छे से कॉन्टोर होनी चाहिए, बस आपके पास ब्रश होना चाहिए कॉन्टोरिंग का। सो अपना पाम लेना है आपको और थोड़े से ऐसे से लिपस्टिक अपने हैंड पे लगा देनी है अच्छे से, पिंक या फिर रेड जो भी आपको पसंद हो। सो मैं अपने जो हम चिक्स पे यूज़ करेंगे सो यहाँ के लिए मैं पिंक लगाऊंगी और जो हमारा मॉइस्चराइज़र था थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेंगे लाइक दिस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हैंड पे। सो मिक्स हो गया अच्छे से और अब हम क्या करेंगे, स्माइल करनी है लाइक दिस और इस एरिया पे हमें ये अप्लाई करना है। इससे आपको एक नेचुरल लुक मिलेगा, एक नेचुरल पिंक रोजी से आपको लाइक चिक्स मिलेंगे। सो आपको स्माइल करते ही रखनी है एंड लाइक दिस आपको लेना है थोड़ा सा अपने दोनों फिंगर में, दोनों साइड आप लगा देंगे, सर्कुलर में ही आपको लगाना है दिस साइड। और अगर आप हैंड से ब्लेंड करना चाहते हैं हैंड से कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। सो गाइज इधर नहीं जाना, बस आपको जहाँ स्माइल कर रहे हैं आप वहीं पे आपको रखना ही है ऐसे रोटेशन में, बस आप ऐसे डैब डैब करके अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। सो ये देखिए एकदम बिल्कुल नेचुरल आ रहा है और बहुत लाइट है और जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो वो आप अपने फेस पे अगेन लगा सकते हैं, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। सो बाकी जो एक्स्ट्रा था वो मैंने लगा दिया है और इसे बिल्कुल एक नेचुरल, सो आप जब भी लगाएं इसे स्माइल करते ही लगाइएगा बस, उसी से अच्छा ये लुक आएगा। ये देखिए कितना अच्छा एक नेचुरल लुक आया पिंक रोजी से हमारे जो चिक्स हैं वो हो गए हैं और ना हमने हाइलाइटर अप्लाई किया ना ब्लश, नेचुरल विद द यूज़ ऑफ मॉइस्चराइजर, बस इसमें पिंक लिपस्टिक लिया है और ऐसे लगा दिया है, कितना इजी है ये एंड आई रियली लव दिस नेचुरल ग्लो। सो गाइज हमारी आईज भी यू नो कितनी इंटेंस दिख रही हैं सिर्फ इससे लाइक दिस, ये कर्वी से ऐसे आ गया है और अभी तक हमने बिल्कुल कम प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। सो अब हम क्या करेंगे, आप कोई भी लिपस्टिक लीजिएगा रेड या पिंक। सो पहले मैं अपने लिप्स को लाइन कर लूँगी अच्छे से विद द हेल्प ऑफ लिप लाइनर, बट आप लिप लाइनर नहीं है सो आप उसी ब्रश से अगर आप परफेक्ट हैं सो आप कर सकते हैं, बट मैं हमेशा लिप लाइनर से करती हूँ। तो पहले मैं लिप बाम अपने एक बार लिप्स में मॉइस्चराइज़ करूँगी और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑयल क्लेम की लिप बाम। सो और जो मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ जस्ट अ मिनट, सो मेरा जो लिप लाइनर है वो है मेबलिन न्यूयॉर्क कलर सेंशियल 160 रिच वाइन कलर है। सो यहाँ मैं मेबलिन का यूज़ करी हूँ अपना लिप लाइनर और मुझे सच में लिप लाइनर मेबलिन का बहुत अच्छा लगता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, आई नो थोड़ा सा कॉस्टली है बट यार क्वालिटी वाइज नंबर वन। सो मैं अपने से जो लिप्स हैं वो लाइन कर लूँगी। लिप्स मेरे हो गए हैं लाइन और मैं यहाँ रेड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, मैं पिंक नहीं अप्लाई कर रही, पिंक एज अ ब्लश मैंने यूज़ किया था, आप रेड भी कर सकते हैं अगर आप एक ही लिपस्टिक यूज़ करते हैं, सो आप अपने लिप्स पे और यहाँ पे चीक्स पे अप्लाई कर सकते हैं नो प्रॉब्लम। अब मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी लिपस्टिक,
सो गाइज आई एम ऑलरेडी, मेरा मेकअप हो चुका है. सो हाउ आई एम लुकिंग, सो लिपस्टिक डन है, ऑल द थिंग्स. एंड ये देखिए कितना सिंपल मेकअप था. सो गाइज ये मैंने रिजल्ट से सीखा है. एंड रिजल्ट पे जो क्लासेस होती हैं मेकअप डांस एंड एक्टिंग की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं. सो यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट. सो कमेंट मी बिलो, आई विल शेयर माई लिंक एंड देन यू कैन टेक क्लासेस ऑफ रिजल ऐप ऑन रिजल ऐप. एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड रिजल ऐप. एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक रिजल क्लासेस, सो आई विल शेयर द लिंक ऑफ रिजल क्लासेस. एंड दीज क्लासेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट और ये मैंने सीखा है एंड आई रियली लव. और सच में मेरा मन था कि आपके साथ भी ये शेयर करूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हर किसी काम आ जाती है. मैं भी कुछ ना कुछ जो सीखती हूँ इंटरनेट से सीखती हूँ. सो हमें हमेशा अपनी जो नॉलेज होती है वो शेयर करनी चाहिए. जब हमारी नॉलेज होती है वो इंक्रीज होती है. शेयरिंग इज केयरिंग एंड सपोर्ट ईच अदर सो दैट वी कैन रीच लार्ज ऑडियंस और ऑल्सो वी कैन लव ईच अदर. सो या यही थी मेरा आज का ब्लॉग एंड आई होप कि मेरी आपकी वीडियो अच्छी लगी. सो गाइज अगर सच में अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ वैल्यू नजर आती है, कुछ लगता है कि मैं अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, मैं भी हार्डवर्क कर रही हूँ, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच रिस्पॉन्सेज ऑन माई वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट. एंड आई विल कम मोर वीडियोज लाइक दिस एंड आई होप कि आज की जो मेरी वीडियो है उससे आप लोगों की हेल्प हुई हो और आप इससे कुछ सीखो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल.